नमस्कार दोस्तों, प्रतिदिन क्रिप्टो में आपका फिर से स्वागत है। अभी अगर आपके मन में एक बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन चल रहा होगा कि शिबा इनू में मैं क्या करूं, या तो अभी यहां पर आप बेच सकते हैं या तो अभी इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर मोस्ट प्रोबेबली एक पॉसिबिलिटीज को देखा जाए यहाँ पर, तो सबसे पहले नोटिस कीजिएगा कि एक इसने हाई क्रिएट किया यहाँ पर, राइट ना। ओके, हाई देखिए तो लगभग 1 पॉइंट यहाँ पर 4 जीरो के बाद लगभग 17 के आसपास किया हुआ है, ठीक ना। तो हम लोग बोलेंगे 17 या 18, ठीक ना। तो पॉइंट के बाद से 4 जीरो 18 के आसपास किया हुआ है, उसके बाद से यहाँ पर ये लोज बनाया हुआ है लगभग 15 के आसपास, राइट ना। ओके, बट इस चीज़ को आप डेली टाइम फ्रेम में अगर नोटिस करते हैं तो इस चीज़ को डेली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है, राइट ना। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर देखें तो पहले यहाँ पर एक यहाँ पर हाइज बना रखा है, यहाँ पर कुछ लोज बना रखा है, राइट ना। यहाँ पर कुछ हाइज और कुछ लोज बना रखा है। तो डेफिनेटली बात है कि इसको अगर ये ब्रेक करेगा तब ये जा करके ये 28 और 29 को जा करके टच करेगा, यानी जो 16 और 17 18 के आसपास चल रहा है पॉइंट के बाद से 4 जीरो 16 और 18 के बीच में, तो अभी ये इस रेंज में, तो इसको अभी मेरे ख्याल से तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, राइट ना। ओके, तो अभी हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज बनता है। सबसे पहले अगर आप इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में नोटिस करते हैं, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि और भी चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में जैसे ही मैं इसको जूम करता हूँ तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी जाता है कि हमारा जो लास्ट टाइम पर हाइज बना था वो हाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका हाइज बना था लगभग 18 के नियर अबाउट और 18 से थोड़ा सा कम 17.50 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। बट अभी भी अगर आप यहाँ पर देखें तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेज है कि लगभग ये 1.1400 के आसपास आए रिटेस्ट करना, और भी ज़्यादा नीचे, या 1.1434 के आसपास आए रिटेस्ट करना, या 1.13 से 1 पॉइंट नहीं यहाँ पर 4 जीरो के बाद से 1480 या 1380 के आसपास आए रिटेस्ट करना। बट अगर आप एक चीज़ को यहाँ पर नोटिस करें तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा तो पॉइंट के बाद से 4 जीरो 16 और 38, यानी लमसम मेरे ख्याल से लगभग पॉइंट के बाद से 4 जीरो 42 के आसपास, यानी इस रेंज में जाता है रिटेस्ट करना, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि एक बार और ये दोबारा नीचे गिरे अगर ये इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ता है। अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता वो ऊपर जाता है तब मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास चांसेस रहेगा कि दोबारा से ये ऊपर जाए, अदरवाइज हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली चांसेस यही रहेगा। अगर एक चीज़ आप और आप यहाँ पर नोटिस करते हैं आकर के बिटकॉइन के चार्ट को, क्योंकि बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एक दरिया है, या बिटकॉइन एक जरिया है जिसके वजह से मार्केट जो है ऊपर जाता है। तो अगर आप यहाँ पर सिंपली चेक करते हैं बिटकॉइन में, तो लास्ट टाइम पर मैंने आपसे एक चीज़ बताया था यहाँ पर बिटकॉइन में कि अगर ये इस चीज़ को तोड़ता है, यानी $1,26,000 के नियर अबाउट जाकर के ब्रेक करता है, तब हमारे पास पॉसिबिलिटी है दोबारा से ऊपर जाने को। यानी मैंने जो एक यहाँ पर आपको कलरफुल जो दिख रहा है एरिया, इस एरिया को ब्रेक करता है तब जाकर के हमारे पास पॉसिबिलिटीज होता है बुलिश रैली के लिए। यानी मार्केट जो अभी $25,000 से अक्रॉस करता करता $28,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग देता है तब जाकर के मार्केट बुलिश होगा, अदरवाइज अभी भी बुलिश नहीं है। ये पूरा का पूरा अभी भी मार्केट बियर मार्केट है। जब तक बियर मार्केट में है तब तक आपको शिबा में भी, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से रिटेस्ट करके नीचे आने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, यानी यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज़्यादा है, राइट ना। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं। जैसे भी अपडेट होगा, अगर आप चैनल में सब्सक्राइब हैं तो आपको ये मिलता रहेगा। चलिए, तो हमारा जो एक और यहाँ पर कॉइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चिलीज, अगर आपके पास कॉइन है CSZ, ये कॉइन अगर देखते हैं तो ये कॉइन अभी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा, अगर आप यहाँ पर देखें तो सिर्फ आज ये लगभग 10% से ऊपर गया हुआ है, यानी आज सिर्फ 10% से ऊपर गया हुआ है। भाई ऐसा कौन सा न्यूज़ था कि ये लगभग 10% से ऊपर जा चुका है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर इसके ट्विटर हैंडल पर आकर देखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर नोटिस करते हैं तो चिलीज जो है ये अपना एक गेम, ये तो ऑलरेडी ये एक स्पॉट एक्सचेंज में टोकनाइज था, ऑलराइट ना, आप इसको देखते हैं तो। बट इसने हाल ही में इसके गेम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लोग जो है यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं इसी गेम को और इसी न्यूज़ को लेकर के। तो मेरे ख्याल से जब तक ये न्यूज़ ट्रेंडिंग में है तब तक आपको चिलीज जो है अच्छा रिटर्न देने वाला है। तो अभी भी आपको एक डीप मिले तो मेरे ख्याल से अच्छा सा परफॉर्म यहाँ पर चिलीज जो है आपको इन फ्यूचर भी कर सकता है। इसके अलावा अगर आप होलो चैन को भी देखते हो तो होलो चैन भी पिछले साल, यानी लगभग 1 से 2 साल पहले भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। बट इसके अलावा अगर आप होलो चैन कॉइन को भी देखते हैं तो इसमें भी लास्ट टाइम पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। बट अभी फिलहाल अगर आप इस चीज़ को नोटिस करते हैं होलो चैन में, तो सबसे पहले देखिए होलो चैन में तो यहाँ पर ये अभी भी 2% 3% से ऊपर जा रहा है। बट मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है, हालांकि ये अभी जो हाइज बनाया था ये और भी ज़्यादा ऊपर का बनाया था, थोड़ा सा करेक्ट करता हुआ नीचे आ गया।
क्योंकि अगर होलोचैन भी देखते हो तो ये अपना जो होलो नेटवर्क है उस पर कहीं ना कहीं बहुत दिनों से काम कर रहा था। और फिलहाल अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो होलोचैन का कम्युनिटी में जाकर के देखिए तो क्यू एंड ए सेशन भी रखा था अभी एच ऐप को लेकर के, यानी जो उसने अभी एक ऐप लॉन्च किया है उसको लेकर के, तो जिसकी वजह से मार्केट में एक और बड़ी हाइप क्रिएट हुआ। इसके अलावा अगर आप एलियो टोकन को देखते हैं, एलियो टोकन भी बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा लास्ट टाइम पर, और अभी भी ये अभी आप देखें तो रैंक 20 पर है टॉप 100 क्रिप्टो क्वाइन में। बट अगर आप इस चीज़ को एक चीज़ नोटिस करते हो कि एलियो टोकन जो है ऐसा क्यों कर रहा है, तो डेफिनेटली बिट फाइनेक्स का ये एक टोकन है, बिट फाइनेक्स में ये यूज होता है टोकन, यानी ट्रेड अगर आप इसको होल्ड करते हो बिट फाइनेक्स में तो डेफिनेटली आपको वहाँ पर ट्रेडिंग फी कम देना पड़ता है। तो डेफिनेटली बात है जब भी बिट फाइनेक्स में ऐसा कोई भी न्यूज आता है कि वहाँ पर या तो ये कुछ लॉन्च कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा हो रहा है, तब इसमें आपको एक ग्रोथ देखने को मिलता है। फिलहाल मेरे ख्याल से यहाँ पर ये लास्ट टाइम से काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा है। अब अभी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर देखिए पहले तो गिरा हुआ था बट अभी भी फिलहाल ये हाइप में, मेरे ख्याल से अगर आपको डीप मिलता है तो एक कंप्लीट यहाँ पर क्लोजिंग दिया है ऊपर की तरफ, तो मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा ऊपर लगभग $5 तो नहीं और भी ज़्यादा ऊपर, यानी लगभग $6 $7 के आसपास ये जा सकता है। इन $6 के नियर अबाउट जाने के एक पॉसिबिलिटीज हमारे पास रहता है एलियो टोकन में। ओके दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।